कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है दूसरों का भरोसा मत करो। एक किसान के पास एक गाय और एक घोड़ा था। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते थे। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ चरने से चारों पशुओं में मित्रता हो गई। वे साथ ही जंगल में आने और शाम को एक साथ जंगल से चले जाते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। खरगोश ने चारों पशुओं की मित्रता देखी तो सोचने लगा, मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग नहीं करेगा। ये सोच खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वो उनके सामने उछलता कूदता और उनके साथ ही चरता था। धीरे धीरे उनके साथ उसकी मित्रता हो गई। अब खरगोश प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया और खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया और बोला, गौ माता, ये कुत्ता बहुत दुष्ट है, ये मुझे मारने आया है, तुम इसे अपने सींगों से मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए, मेरे घर लौटने का समय हो गया है, मेरा बछड़ा भूखा होगा और बार बार मुझे पुकारता होगा, मुझे घर जाने की जल्दी है, तुम घोड़े के पास जाओ। खरगोश दौड़ता हुआ घोड़े के पास गया और बोला, भाई घोड़े, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हम दोनों साथ ही यहाँ चरते हैं, आज ये दुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पड़ा, तुम मुझे पीठ पर बिठाकर दूर ले चलो। घोड़े ने कहा, तुम्हारी ये बात ठीक है, किंतु मुझे बैठना आता नहीं, मैं तो खड़े खड़े ही सोता हूँ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे सुम बढ़ गए हैं, मैं न तो तेज दौड़ सकता हूँ और न पैर फटकाकर चल सकता हूँ। घोड़े के पास से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया। उसने गधे से कहा, मित्र गधे, तुम इस पाजी कुत्ते पर एक दुलत्ती झाड़ दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ, वे दोनों जा रहे हैं, यदि मैं उनके साथ न जाकर पीछे रह जाऊं तो मेरा स्वामी धोबी डंडा लेकर दौड़ा आएगा और पीटते पीटते मेरा कचूमर निकाल देगा, मैं अब यहाँ ठहर नहीं सकता। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे देखते ही कहा, खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आओ, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ा चला आ रहा है, मैं उससे बहुत डरती हूँ। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते भागते वो जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने बहुत ढूंढा किंतु उसे खरगोश कहीं नजर नहीं आया। अब कुत्ता वापस लौट गया। तब खरगोश झाड़ी से निकला। उसने चारों ओर देखा और संतोष की सांस ली। फिर वो बोला, दूसरों का भरोसा करना सदा धोखा देता है, अपनी सहायता अपने आप ही करनी चाहिए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।